हाय ब्रियन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा लिथियम आयन बैटरी चार्जर, इसका यूज करके आप लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हो एक साथ में दो बैटरी को। और गाइस, ये हमारा ऑटो कट सिस्टम, अगर बैटरी चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर एक येलो कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और गाइस, बनाना बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो को देख कर आप 50 रुपये के अंदर में बना सकते हो। साथ ही इस वीडियो में इसका कनेक्शन डायग्राम भी दिया हूँ, जिसे देख कर आप इजिली इसे बना सकते हो। अगर वीडियो में कोई सा डाउट रहता है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो। तो चलो इसका मेकिंग वीडियो करते हैं शुरू।
यहाँ से मैं इसका पावर केबल को इन करता हूँ। नॉर्मल हमारा जो मोबाइल का चार्जिंग होता है उसका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जो हमारा बी टाइप का है। तो यहाँ से इन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो दो LED यहाँ पर ऑन हो रहा है, एक हमारा येलो दूसरा रेड। रेड जो हमारा है ब्लिंकिंग हो रहा है। तो मेरे पास में यहाँ पर दो सेल है, आपको अब टेस्ट करके दिखाऊंगा। एक में मेरा फुल चार्ज है, दूसरा में चार्जर नहीं है। तो देखेंगे कौन सा में फुल चार्ज है कौन सा में फुल चार्जर नहीं है। सबसे ये पहले ये वाला को यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इस साइड हमारा जो है नेगेटिव और इस साइड हमारा पॉजिटिव। तो ये रहा हमारा इसका नेगेटिव साइड और इधर रहा हमारा पॉजिटिव साइड। तो जैसे मैं इसके अंदर में से घुसाया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर का इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो गया और हमारा येलो कलर का इंडिकेटर यहाँ पर ऑफ हो गया। इसके बाद मैं इसे निकालते हैं, दूसरा को यहाँ पर इस वाले को चेक करता हूँ। आप देख सकते हो जैसे मैं ये वाला बैटरी को इसके अंदर घुसाया, दोनों LED यहाँ पर ऑन हो चुका है। एक जो यहाँ पर जो रेड LED जो इससे पहले ब्लिंकिंग हो रहा था ये पूरा कंटिन्यू है, देख सकते हो, मतलब कि इसमें अभी फुल चार्ज है। इसके बाद मैं जैसे ये वाला बैटरी को इसके अंदर घुसाऊंगा तो फिर से रेड कलर का इंडिकेटर ऑन होगा और येलो जो हमारा ऑफ हो जाएगा। देख सकते हो ये ऑफ हो गया है और ये ऑन है। हम एक साथ में डबल बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ तो देख सकते हो ये ऑफ हो चुका है। तो गाइस इसके अंदर में कुछ भी खराबी रहेगा तो मुझे कमेंट करना। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।